हेलो एवरीवन, एक बार फिर से स्वागत है इस चैनल पर। दोस्तों, इस वीडियो पर मैं आज आपको डाइक्लोविन प्लस टेबलेट से संबंधित जानकारियां देने वाला हूं। अगर आप इस टेबलेट का यूज करना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा देखिए। अगर बात किया जाए इस टेबलेट के कंपोजिशन की, तो इसमें डाइक्लोफिनेक सोडियम 50 mg और इसमें पैरासीटामोल दिया हुआ है 325 mg के पावर में। डाइक्लोफिनेक सोडियम 50 mg और पैरासीटामोल 325 mg के पावर में दिया गया है। डाइक्लोफिनेक सोडियम जो कि 50 mg के पावर में दिया गया है, यह हमारा शरीर में जितना भी दर्द होता है, दांत दर्द, शरीर दर्द, कान दर्द, नाक दर्द, कहीं का भी कैसा भी दर्द हो, यह दर्द को कम करने में सहायक होता है। और साथ ही दिया गया है पैरासीटामोल। पैरासीटामोल का काम होता है बुखार को कम करना और दर्द को कम करना, बुखार और दर्द दोनों को ही कम करता है। ऐसे तो अगर देखा जाए तो इसको दर्द निवारक दवा भी कहते हैं। यह जो है दर्द को कम करता है, दर्द के लिए ही इसको डॉक्टर एक्चुअली में देते हैं पेशेंट को। अगर आपको साथ में थोड़ा बहुत बुखार है तब भी ये आप इसे ले सकते हैं। लेकिन इसका जो मेन कारण है पेशेंट को देने का, वो यही है कि इसका काम होता है दर्द को कम करना, चाहे कैसा भी दर्द क्यों ना हो, कमर का दर्द, पैर का दर्द, हाथ का दर्द, अगर कहीं पर किसी खेलते खेलते किसी बच्चे को मोच आ गया है तो आप उसे आधा टुकड़ा दे सकते हैं। अगर किसी बड़े व्यक्ति को यह टेबलेट देना है तो आप उसे दिन में एक बार या फिर सुबह शाम दर्द के लिए दे सकते हैं। डाइक्लोविन प्लस टेबलेट का मूल्य जो है बहुत ही कम है, यह आपको बाज़ार में लगभग 20 रुपये के अंदर मिल जाएगा। इसका जो प्रिंट रेट है बहुत ही कम है, क्योंकि यह जो मेडिसिन है एक जेनेरिक मेडिसिन है। और इसके अगर बात किया जाए कंपनी की, तो विंग्स फार्मा लिमिटेड को दिखाई दे रहा है वीडियो में शायद। विंग्स फार्मा ये कंपनियाँ इस टेबलेट को बनाती है। इस टेबलेट का इस्तेमाल 2 से 3 दिन तक ही करना चाहिए, ज़्यादा लंबा इसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। किसी भी, चाहे डाइक्लोफिनेक हुआ, एसिक्लोफिनेक हुआ, कोई भी दर्द का जो टेबलेट होता है ज़्यादा यूज नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये टेबलेट ज़्यादा यूज करने से आगे चलकर हमें समस्या हो सकती है, हमारा किडनी ख़राब हो सकता है और भी बहुत सारा समस्या हो सकता है, इसलिए यह लंबा चलने वाला मेडिसिन नहीं है। तो दोस्तों, कैसी लगी जानकारियाँ कमेंट कीजिए, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद।